welcome back to my YouTube channel. Finally, वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप सबको और मुझे बेसब्री से इंतजार था. मैंने पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत मजेदार वीडियो आने वाली है. तो फाइनली आई एम हियर विद दिस अमेजिंग वीडियो. अब मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस वीडियो को मैं स्पेशल क्यों कह रही हूँ. आगे आप लोगों को इससे पिछले वाले व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा है और नहीं भी देखा तो जाके देख लीजिएगा. जरी ने मुझे चैलेंज दिया था कि आपको बनाना है रेड वेलवेट केक घर में. एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड. बट सीरियसली गाइस, मुझे केक बनाना, मतलब आई एम नॉट द एक्सपर्ट कि मैं फौरन से यूं बना लूंगी केक. जैसे पहले मैंने ट्राई किया था आप लोग के सामने, केक बनाया था चॉकलेट वाला, आज भी मैं आप लोग के सामने रेड वेलवेट केक ट्राई करने वाली हूँ. आपको पता है सीजन भी है, सीजन से मेरा वैलेंटाइंस डे भी है. जहाँ बेकरी में जाऊँ वहाँ पे रेड एंड व्हाइट केक है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर में बना लिया जाए. अब देखते हैं कि आपकी बहन केक बनाने में कामयाब हो पाती है क्या नहीं. मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. बट जो होगा आप लोग के सामने इस वीडियो में होगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो. लेट्स गो. यहाँ पे मेरे पास है शुगर, मिल्क, क्रीम, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, क्रीम, रेड फूड कलर, वेनिला एसेंस, एग्स, बटर पेपर, मेल्टेड बटर, विनेगर एंड मैदा. आप सबको पता है कि मेरे पास है मेजरिंग स्पून जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हर चीज में. मुझे पता होता है कि कितने चम्मच डालने हैं तो वो इजिली जो है वो एक्यूरेट चीज बन जाती है. सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दूध. मेरे पास है व्हाइट विनेगर, इसको मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून. इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरह से और साइड पर रख दें. यहाँ पे मैं मैदा जो हूँ वो 1 कप और 1/2 कप डालूंगी. छान कर इसलिए डालूंगी कि कोई कचरा वगैरह जो हो वो छन जाए. तो पहले मैं डालूंगी बेकिंग सोडा और इसको मैंने खोला भी लिया, अभी अभी मंगवाया था जस्ट. सोडा की क्वांटिटी बेकिंग पाउडर से कम होती है तो हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है. अब हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर. नाउ आई एम एडिंग कोको पाउडर 1 टेबलस्पून. ओह गॉड, इसको निकालना कितना मुश्किल है. इसको हम छान के बोल में ऐड करेंगे. छान कर हमने अपना मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर साइड पे कर देते हैं. तो हम एक और बड़ा बोल लेंगे. ओह गॉड, ना बड़ा बोल. अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, 2 अंडे. आई यू प्लीज लाज रख लेना सीधा. सॉरी गाइस, कभी कभार ये अंडा सही टूटता है, कभी कभार बहुत मुश्किल से टूटता है. अब मैं ऐड करूंगी शुगर. वैसे तो पाउडर शुगर हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं केक बनाने में, बट ये भी कभी भी चलता है. जब तक इसका मिक्सचर फ्लफी नहीं हो जाता जब तक हम इसको बीट करते रहेंगे. हमारा मिक्सचर जो है वो फ्लफी कंडीशन में आ चुका है. अब मैं ऐड करूंगी वैनिला एसेंस. ये रहा मेरे पास वैनिला एसेंस. डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे. फिर ये मेल्टेड बटर जो कि मेरे पास यहाँ पर है, बट इसका एक तरीका कार है, वो ये है कि मैं इसको मिक्स करके वह ऐड करूँगी. केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी बनता है. बटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि केक को बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो इसलिए हमने बटर ज्यादा ऐड किया. अब मैं ऐड करूंगी रेड फूड कलर जो कि हमारे केक को रेड लुक देगा. रेड फूड कलर मेरे पास है पाउडर कंडीशन में और 1 टीस्पून मैं इसको ऐड करूंगी. अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे. हम इसको स्पून की मदद से सही तरीके से मिक्स करेंगे. ये आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त रेड कलर आया. ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट जो कि हमने साइड पर रखे थे. अब हम इस मिक्सचर में इसको ऐड करेंगे.
अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर तकरीबन रेडी है, इसमें आप ऐड करूंगी एक चुटकी नमक की, बिल्कुल एक चुटकी। दूध और विनेगर का जो मिक्सचर बनाया था मैं वो ऐड करूंगी हाफ हाफ करके। को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी क्यूट मिक्सचर। अब मेरे पास है यहाँ पर दिल वाली केक की ट्रे। अब मैं बटर पेपर को दिल की तरह काटूंगी। आई होप कि अब की बार सही कट जाए। बहुत ही मुश्किल है हार्ट शेप काटना इस तरह से, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बटर पेपर जो है वो कट चुका है। अपने पैन में ऑयल डालेंगे, ब्रश की मदद से ऑयल को पूरे पैन में फैलाएंगे, जस्ट लाइक दिस। बटर पेपर हमने इसके अंदर लगा दिया है और बटर पेपर के ऊपर भी हमने ऑयल लगा दिया है अच्छी तरीके से। अब हम ऐड करेंगे अपना मिक्सचर। केक हो गया कि नहीं? हो गया है। टन 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 टन, हमारा हार्ट शेप का केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। बेसिकली हमारी ट्रे जो है वो लॉक वाली नहीं है, उसको लॉक खोला नहीं, जैसे ऐसे केक की शक्ल में आ गया, इसलिए हमें इसको छुरी से साइड में सुराख करना होगा ताकि वो हार्ट शेप में आ जाए। तो थोड़ा सा हम ऐसे करके करेंगे ताकि हमारा केक बाहर आ जाए। So guys, केक को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ केक को सजाना। हमने जो मिल्क मिक्सचर बनाया था मैं इसको केक पे डालूंगी। I'm adding some sprinkles on the cake. हमने इसके ऊपर रख दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हार्ट शेप। ऐड करूंगी मिल्क सिरप। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर क्रीम। तो गाइस पूरी हमारे केक पर क्रीम लग चुकी है और यहाँ पर मेरे पास है थोड़े से स्प्रिंकल्स रेड व्हाइट और पिंक में, और साथ ही साथ मैंने केक के थोड़े से पीसेस को क्रश कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। सो आइए लगा। इसलिए मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंकल्स है, तो मेरे जहन में ये है कि मैं पूरे स्प्रिंकल्स भर दूं या तो फिर ये जो मैं लेके आई थी बेसिकली ये कैंडल्स है बट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से रख कर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल्स डाल दूं, ऐसे ऐसे करके हार्ट शेप बना दूं। सो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये आएगा शेप या नहीं। इस तरह से कुछ करके लगा दूं।
सोचा नहीं था कि मैं बना पाऊंगी केक, बट आई डिड इट गाइस। सो गाइस माय रेड वेलवेट केक इज रेडी। आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन, हर एक एक चीज जो है वो बेस्ट है। उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं बन पाएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कह दूंगी कि सॉरी गाइस, केक खराब हो गया, जल गया एंड ऑल दैट, सारी चीजें बोलूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर एक एक चीज परफेक्टली हो गई है। सोच रही हूँ, मैं कैंडल्स लेके आई थी तो उन्होंने वैसे कोई काम किया नहीं, लेकिन कैंडल्स का ही काम करने में आई थिंक अब हमारा केक जो है वो कम्प्लीट खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोगों को मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग इसकी रेसिपी कैसी लगी, इसकी डेकोरेशन कैसी लगी। Keep supporting, keep loving, lots of love, cheers.